मुझे जीतने के लिए भर टिकट नहीं दिया, पूरे बिंद में कांग्रेस पार्टी की सीट जिताने के लिए टिकट दिया है। इसलिए कि पार्टी कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश को आज़ाद कराई, और इसके साथ में कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जिस पार्टी में राजनैतिक या सामाजिक राजनैतिक जाति विभेद नहीं होता। टिकट जो है, टिकट का नाम राम गरीब है, गरीब जमात से है, लेकिन इधर कांग्रेस संगठन की जमात भी है। डबल डबल आदमी, डबल डबल पहलवान राम गरीब के टिकट का नाम को जिताने के लिए लगे हुए हैं। टिकट मांगने वाले हमारे साथी बहुत थे, जैसे ये पूर्णिमा तिवारी है, ये चक्रधर सिंह है, ये कहा और ये रमेश सिंह है और गिरीश सिंह है और बहुत सारे थे। ये सारे कार्यकर्ता ये हमारे साथ में है। बीजेपी को ख़त्म करने के लिए योजना बनाए हैं, जैसे कबड्डी के खेल में जब कोई खिलाड़ी को बोलने जाता है तो पकड़ने वाला आदमी एक दो नहीं पकड़ता, वो चैन बना करके पकड़ता है। बीजेपी तो इस बार सिरमौर विधानसभा में बच नहीं सकती, और ऐसी इसकी आने वाली सियासत विरासत ख़त्म होगी कि जैसा कि सर्प को जब मारते हैं लोग तो उसका मूड़ कुचट देते हैं जिससे कि कभी वो जिंदा ना हो सके। 17 नवंबर को वोट पड़ेगा, सारा कांग्रेस में वोट पड़ेगा, और सर्प के मूड़ की तरह इस बार प्रदेश की जनता बीजेपी के सत्ता को सत्ता से उखाड़ करके और फेंक देगी। कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने सारे कमीशन के रास्ता बंद करके सीधे लड़कियों के खाते में 51,000 कर दिया। अब देखो, कांग्रेस के आगे हम तो नहीं जानते कि दूसरे नंबर पर कौन रहेगा। दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ने वाले अन्य दलों से पूछे को दूसरे नंबर पर कौन रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चुनाव चल रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। आगामी 17 नवंबर को मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, और जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही वैसे वैसे ही प्रत्याशियों की जो धमाचौकड़ी है, प्रत्याशियों की जुगामों तक पहुंचने की स्थिति है, वह भी काफ़ी तेज़ होती जा रही है। हम यहां पर हैं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ हैं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राम गरीब जी। हम उनसे उनके मुद्दों की चर्चा करेंगे और जनता के क्या सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब अगर वो चुनाव जीतते हैं तो आगामी विधानसभा में मिलेंगे, कौन से ऐसे सवाल हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सदन में वो पुरजोर तरीके से सामना करेंगे या पुरजोर तरीके से उसका समाधान करेंगे। तो हम सीधे अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। सबसे पहले तो आपका द खबरदार न्यूज पर स्वागत है। पहला सवाल हमारा यही है कि जैसे कि इस विधानसभा चुनाव की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, तो पूर्व में आप बहुजन समाज पार्टी से एक बार चुनाव लड़े, त्योथर में आपने बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक पद जीता, और उसके बाद अब सिरमौर में आप सियासत में हैं। तो क्या स्थितियां हैं इस बार पिछले बार की तुलना में, कितनी बेहतर स्थितियां दिखाई दे रही हैं? स्थितियां तो ये हैं कि 2000 हम 8 में जीते थे, और कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच में और मेरे बीच में अपाई पार्टी की गाइडलाइन को देख करके मुझे जीतने के लिए भर टिकट नहीं दिया, पूरे बिंद में कांग्रेस पार्टी की सीट जिताने के लिए टिकट दिया है। तो इस बार जब 2023 में 17 नवंबर को वोट पड़ेगा तो उस बार हमारे बिंद से बहुत कम 5-6 सीटें जीती थी। इस बार तो हम ये जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, ये जैसे जैसे चुनाव हुआ रहा है तो उधर ब्लॉक से लेकर के मंडलम से लेकर के सेक्टर से लेकर के बीएलए से लेकर के और बीएलए के पोलिंग में वोट देने वाले लोग भी 17 तारीख के नज़र के तैयारी के लिए ज़मीन पर उतर रहे हैं। और ये तो बात तय है कि ये सिरमौर विधानसभा में चाहे कांग्रेस के अलावा जितनी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उन पार्टियों का कोई राजनीतिक पूर्व का वजूद नहीं है। इसलिए कि पार्टी कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश को आज़ाद कराई, और इसके साथ में
कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जिस पार्टी में राजनैतिक या सामाजिक राजनैतिक जाति विभेद नहीं होता। उस कांग्रेस के साथ ये हर जाति धर्म के लोगों की जमात के संगठन का नाम कांग्रेस पार्टी है। मेरे साथ में हर जाति जमात के लोग लगे हुए टिकट जो है टिकट का नाम राम गरीब है, गरीब जमात से है, लेकिन इधर कांग्रेस संगठन की जमात भी है। डबल डबल आदमी डबल डबल पहलवान राम गरीब के टिकट का नाम को जिताने के लगे हुए हैं और इसके साथ में इस टिकट के प्रचार का प्रदर्शन देख करके और कमलनाथ पर विश्वास करके ये विधानसभा सिरमौर में वोट का इतना ग्राफ बढ़ा रहे हैं कि इस ग्राफ से अन्य विधानसभा के सीटों में करंट जा रहा है और सब राम ये विधानसभा सिरमौर के कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं कि जैसा विधानसभा सिरमौर के कार्यकर्ता एक साथ चल रहे हैं। टिकट मांगने वाले हमारे साथी बहुत थे, जैसे ये पूर्णिमा तिवारी हैं, ये चक्रधर सिंह हैं, ये कहा और ये रमेश सिंह हैं और गिरीश सिंह हैं और बहुत सारे थे। ये सारे कार्यकर्ता ये हमारे साथ में हैं। एक दूसरी बहुत बड़ी टीम एक और है जो टिकट मांगने वाले थे, उनकी भी टीम लगी हुई है। तो हम लोग इतना बढ़िया इस बार बीजेपी को ख़त्म करने के लिए योजना बनाए हैं। जैसे कबड्डी के खेल में जब कोई खिलाड़ी को बोलने जाता है तो पकड़ने वाला आदमी एक दो नहीं पकड़ता, वो चैन बना करके पकड़ता है। तो हमारा जो ये पार्टी के संगठन का चैन है ये बहुत मजबूत है। बीजेपी तो इस बार सिरमौर विधानसभा में बच नहीं सकती और ऐसी इसकी आने वाली सियासत विरासत ख़त्म होगी कि जैसा कि सर्प को जब मारते हैं लोग तो उसका मूड़ कुचट देते हैं जिससे कि कभी वो जिंदा ना हो सके, उसी प्रकार से प्रदेश की जनता में इस प्रकार से बीजेपी के खिलाफ नफरत है कि जब 17 नवंबर को वोट पड़ेगा, सारा कांग्रेस में वोट पड़ेगा और सर्प के मूड़ की तरह इस बार प्रदेश की जनता बीजेपी के सत्ता से उखाड़ करके और फेंक देगी। आपने कहा कि एक करंट है, करंट दो तरीके का है, इससे बिजली भी जला सकते हैं और इससे किसी की जान भी ली जा सकती है, तो कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में करंट किस तरीके से काम करेगा? देखो करंट का मतलब बिजली से नहीं है, करंट का मतलब बातों से है। ये मोदी का जो ये बोला था वो बात के करंट से बोला था, करंट लगा करके नहीं बोला था कि खंभे में पास करके बोला था। संगठनात्मक ऊर्जा के रूपी करंट की बात कर रहा हूँ कि वो संगठन के करंट से, भावनाओं के करंट से। ये कांग्रेस पार्टी करंट क्या, अभी जब 2018 में सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी ने जैसे शपथ लिया 2 लाख के तक के किसानों के कर्जे का घोषणा कर दिया और उसी दिन से शुरू कर दिया। जो 300 रुपया वृद्धा पेंशन मिलती थी 600 रुपया कर दिया और जो 2500 रुपया लड़कियों के शादी में गरीब 25,000 लड़कियों के शादी में मिलता था वो 25,000 रुपया नगद नहीं मिलता था, वो किसी के माध्यम से कमीशन के माध्यम से उनको सामान मिलता था। कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने सारे कमीशन के रास्ता बंद करके सीधे लड़कियों के खाते में 51,000 कर दिया। एक बात तो सारे उम्मीदवार कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, चाहे वो सपा के उम्मीदवार हों, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हों या किसी भी दल के उम्मीदवार हों, आप भी यही बात कह रहे हैं, तो फिर अगर आप जीत रहे हैं तो दूसरे नंबर पर कौन, ये भी तो बात होनी चाहिए आखिर कि दूसरे नंबर पर भी कौन। अब देखो कांग्रेस के आगे हम तो नहीं जानते कि दूसरे नंबर पर कौन रहेगा, दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ने वाले अन्य दलों से पूछे को दूसरे नंबर पर कौन रहेगा। और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जनता क्या एक नंबर पर पहुंचेगी या जनता तब भी दो नंबर पर ही रहेगी? नहीं, जनता तो एक नंबर पर है। जनता ऐसी समस्याएं आपने जनसंपर्क के दौरान देखी जिनकी तरफ आपका ध्यान आगामी विधानसभा में जाएगा? मैं तो घूम रहा हूँ क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, अगर 2003
में बीजेपी की सरकार न होती, कांग्रेस की सरकार लगातार होती तो ये समस्याएं पैदा न होती। लेकिन उस वक्त तो आप बहुजन समाज पार्टी में रहे होंगे, तो आप भी कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहे होंगे। कांग्रेस की नीतियों का विरोध नहीं मैं करता था, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर कांशीराम ने ये बात कहा था कि कांग्रेस हमारी हम उसके समय आने पर एक दूसरे का उपयोग कर सकते। आप हमारी चर्चा में जुड़े और आपने जनता की बातों को हमारे माध्यम से रखने की कोशिश की। अंत में जाते जाते एक सवाल ये कहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदान को लेकर के आप मध्य प्रदेश के लोगों से क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के लोगों से हम क्या कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति बेटी की शादी करता है तो बेटी के शादी के भविष्य का भी ध्यान रखता है, बेटी के शादी का भविष्य का भी ध्यान रखता है कि हमारी बेटी की शादी के बाद बेटी का भविष्य अच्छा रहे, गरीब न रहे। तो ये कांग्रेस ऐसा पार्टी है जो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार हो, चाहे महिलाएं हो, इन कांग्रेस पार्टी के चुनाव में सबका भविष्य जुड़ा हुआ है। अभी त्योथर में अजय सिंह जी आए थे तो अजय सिंह के सामने आपको वन मंत्री बनाने की मांग उठने लगी। अभी चुनाव हुए नहीं, अगर चुनाव जीतते हैं सरकार बनती है तो फिर क्या कहेंगे इस मांग को लेकर के जो जनता कर रही है? अरे ये तो चुनाव में तो जोश आता है, जोश में होश खो जाता है आदमी, क्या कह देता है यार। इस भावना का कांग्रेस या आप सम्मान करेंगे अगर सरकार में? अब ये तो कमलनाथ फैसला करेंगे, हम इसके बारे में नहीं कह सकते। कमलनाथ जी क्यों फैसला करेंगे, पार्टी क्यों फैसला नहीं करेंगे? ये पार्टी में देखो चाहे परिवार हो, परिवार में एक ये रमेश्वर तिवारी पार्टी के मुखिया है तो इनके आदेश को सबको मानना पड़ता है। इसी प्रकार से पार्टी में अनुशासन है, गाइडलाइन है मुखिया की। एक सवाल कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो 27% कमलनाथ जी ने किया था, फिर बाद में किसी कारणवश वो हट गया, और केंद्र में जो महिला आरक्षण बिल आया है तो उसमें ओबीसी को अलग से आरक्षण देने पर और जातिगत जनगणना को लेकर के आपका क्या कहना है? भाई देखो ये जाति जनगणना तो होना चाहिए, और जाति जनगणना में सामान्य लोगों को भी 10% का उन्होंने जाति जनगणना का प्रावधान किया है। देखो चलो आप भाई देखो ऐसा है कि आप लोग भी कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस की सरकार बन रही है तो जब मजबूत आदमी के पास कमजोर आदमी जाता है, कमजोर के पास मजबूत नहीं जाता, तो ये कांग्रेस की सरकार बन रही है तो मीडिया आप लोग पूछ रहे हैं तो कांग्रेस मजबूत है तो आप लोग भी मीडिया वाले कांग्रेस के साथ में शामिल हो जाइए, इसलिए कि मजबूत के पास कमजोर आदमी शामिल होता है तो आप लोग हो जाइए। लेकिन सारे मिलकर मजबूत बन सकते हैं, आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।